CBSE अपने संबद्ध स्कूलों के उत्कृष्ट शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने में उनके अनुकरणीय योगदान हेतु प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी CBSE सम्मान 2021-22 से सम्मानित कर रहा है। गुजरात के वडोदरा में सुश्री कश्मीरा जायसवाल नवरचना हायर सेकेंडरी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं। इनकी प्राथमिकता अपने विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट और अपने सहकर्मियों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर रहती है। इनकी अंग्रेजी की कक्षाएं बोर्ड गेम्स, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स और ढेर सारे विचार और तर्कों से जुड़ी होती हैं। दिल्ली के श्रेष्ठ विहार में स्थित DAV पब्लिक स्कूल में PGT हिंदी के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर अरविंद कुमार झा। इन्होंने विद्यार्थियों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नए नए तरीकों को संग्रह कर साहित्य और व्याकरण जैसे विषयों को खेल एवं अभिनय के माध्यम से अधिक सुगम और रुचिकर बनाया है। डॉक्टर अरविंद कुमार झा विद्यालय, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। ओमान के मस्कट में भारतीय विद्यालय अल वादी अल कबीर में विज्ञान की विभागाध्यक्षा हैं सुश्री जेनिफर रॉबिन्सन। ये अपने विद्यार्थियों को उनकी वैज्ञानिक प्रकृति जैसे कि चैटबॉट विकसित करना, मोबाइल ऐप, विज्ञान फोटोग्राफी इत्यादि को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करती हैं। इन्होंने अपने विद्यालय में ग्रीन स्कूल और जल कृषि की भी स्थापना की है। डॉक्टर प्रियंका शर्मा पंजाब के अमृतसर में स्थित DAV पब्लिक स्कूल में कला विभाग की वरिष्ठ अध्यापिका हैं। इन्होंने विद्यार्थियों को न सिर्फ कला के क्षेत्र में निपुण किया है बल्कि आर्ट थेरेपी के माध्यम से उनकी व्यवहारगत समस्याओं का समाधान भी किया है। इन्होंने अन्य विषयों में भी शिक्षण को सुगम और रुचिकर बनाने के लिए कला की नई स्वनिर्मित तकनीकों और पाठ्यक्रमों का प्रयोग कर विषय को आसान किया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित बिरला शिशु विहार पिलानी में जीव विज्ञान की शिक्षिका हैं सुश्री हेमा जोशी। इन्होंने जीव विज्ञान को विद्यार्थियों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ा है। ग्रीन हाउस तथा मिनी फॉरेस्ट जैसे प्रोजेक्ट के जरिए पर्यावरण संरक्षण और पौधों के महत्व के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया है। सुश्री हेमा जोशी के मार्गदर्शन में तैयार परियोजनाओं जैसे एलोवेरा के पौधे का उपयोग करके बिजली का उत्पादन और ड्रग टेस्ट के लिए मानव चिप को विभिन्न मंचों पर सराहना मिली है। डॉक्टर नृपेन कुमार दत्ता असम के गुवाहाटी स्थित माइल्स ब्रॉसनन आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। इनके अथक प्रयासों से विद्यालय देश के अग्रणी सह शिक्षा बोर्डिंग स्कूलों में से एक है। इन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करना, विद्यार्थियों के नेतृत्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक सेवा कार्यक्रम, जैविक खेती, समर्पित जीवन कौशल विकास केंद्र, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और अद्वितीय खेल संरचना को सम्मिलित करते हुए विद्यालय को उल्लेखनीय योगदान दिया है। डॉक्टर नवलप्रीत सिंह पंजाब के अमृतसर में स्थित श्री गुरु हरकृष्ण सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में PGT मास मीडिया के व्यावसायिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने अपने विषय के जरिए विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकों से अवगत कराया है। इन्होंने स्कूल में कला दीर्घा भी निर्मित की है जहां विद्यार्थियों के कार्यों को प्रदर्शित किया जाता है। आज फोटोग्राफी एवं मास मीडिया की विभिन्न कलाओं को सीखकर विद्यार्थी इसे व्यावसायिक रूप भी दे रहे हैं। सुश्री धवला सुशीला आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में स्थित अक्षरा स्कूल की प्रधानाध्यापिका हैं। ये जलवायु परिवर्तन एवं कृषि क्षेत्र में विकास के प्रति नए प्रयोगों से विद्यार्थियों को अवगत कराती हैं। इन्होंने विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार के लिए पठन परीक्षा, शिक्षकों के शिक्षण में सुधार के लिए आत्म प्रतिबिंब कक्षाएं, विद्यार्थी और शिक्षक की शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं के लिए डिजाइन सोच जैसे दृष्टिकोण को अपनाया है। सुश्री ऋचा तुली
नई दिल्ली के द्वारका स्थित बाल भारती पब्लिक स्कूल में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की अध्यापिका पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने शारीरिक शिक्षा एवं योगा के प्रति विद्यालय में सकारात्मक वातावरण बनाया है। सुश्री ऋचा नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से जुड़कर कन्याओं के टूर्नामेंट तथा दिल्ली स्टेट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट करवाती हैं। साथ ही दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भी अपना विशेष योगदान देती हैं। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल पुष्प विहार में डॉक्टर पूजा कौशिक हिंदी की प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं और हिंदी के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इन्होंने जिंगल, गीत, खेल, नाट्य प्रस्तुतियों, कॉमिक स्ट्रिप्स, ग्राफिकल प्रस्तुतियों, वार्तालाप गतिविधियों, परियोजना आधारित पद्धति और कई अन्य शिक्षण पद्धतियों द्वारा अपने शिक्षण को रुचिकर बनाया है। सुश्री पूजा शर्मा उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित गार्गी गर्ल्स स्कूल में कला विभाग की अध्यक्षा के पद पर कार्यरत हैं। स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग का प्रयोग करते हुए इन्होंने कैरम बोर्ड के माध्यम से वर्ल्ड वॉर जैसे गूढ़ विषय तथा सांप सीढ़ी के जरिए केमिस्ट्री जैसे जटिल विषयों को मनोरंजक विधि से पढ़ाया है। आर्ट इंटीग्रेटेड के जरिए साहित्य की कविताओं में कल्पना के रंग भरे हैं। एलकॉन इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में विज्ञान की शिक्षिका हैं सुश्री सुनंदा एस कुमार। ये बच्चों में सृजनशीलता, पर्यावरण के प्रति संवेदना और उत्कृष्ट शिक्षा को प्रोत्साहन देती हैं। सुश्री सुनंदा अपनी कक्षाओं में प्रयोगात्मक एवं कला एकीकरण के समावेश पर विशेष बल देती हैं। इनकी परियोजना कार्बन बूस्टर, व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, US अलुमनाई माइक्रो ग्रांट प्रतियोगिता 2022 के एक भाग के रूप में चुनी गई हैं। पंजाब के जालंधर में स्थित स्वामी संत दास पब्लिक स्कूल में भौतिकी की विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर सोनिया माघो। इन्होंने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाओं में भौतिकी की नवीनतम विधियों एवं शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया है। ये सस्ते संसाधनों से कार्यशाला में छोटे छोटे प्रयोग करके विषय को रुचिकर बनाती हैं। ICT, ऑगमेंटेड रियलिटी, सिमुलेटर और रोल प्ले जैसी तकनीकों से बच्चों को अवगत कराती हैं। इन्होंने ग्राफ से संबंधित प्रयोगात्मक वीडियो, सापेक्ष वेग, घरेलू बिल की गणना, इलेक्ट्रिसिटी एट अ ग्लांस इत्यादि विकसित किए हैं। सुश्री मीनाक्षी कुशवाहा नई दिल्ली के पुष्प विहार स्थित बिरला विद्या निकेतन पुष्प विहार में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने विद्यालय में सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक अध्यापक प्रतिदिन कक्षा में सामान्य ज्ञान, देशभक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक सोच तथा 21वीं सदी के कौशल ज्ञान से बच्चों को अवगत कराएं। बच्चों में समसामयिकी ज्ञान विकसित करने के लिए क्विज एवं वाद विवाद आयोजित कर आंकिक योग्यता, तार्किक चिंतन और वर्तमान की घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सुश्री मोनिका ग्रोवर DAV स्कूल पुष्पांजलि एनक्लेव नई दिल्ली में जीव विज्ञान की अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। ये कई प्रकार की शिक्षण तकनीकों को अपनाकर परियोजना कार्यों और विभिन्न विज्ञान गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक ढंग से विज्ञान सिखाती हैं। अपने विद्यार्थियों के सहयोग से मोनिका शहरी विकास, शहरी विद्यालयों और शहरी आबादी के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं को विकसित भी करती हैं। डॉक्टर संध्या व्यास राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी में छात्रों को अर्थशास्त्र पढ़ा रही हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का प्रयोग कर विद्यार्थियों को रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थशास्त्र का सफल प्रयोग करना सिखाती हैं। सुश्री संध्या विद्यार्थियों को सिमुलेशन, कैफेटेरिया शिक्षण पद्धति और कला समेकित शिक्षण पद्धतियों के साथ साथ सॉफ्टवेयर आधारित हम्टी डम्टी क्विज से अर्थशास्त्र को समझाती हैं। सुश्री हेमलता श्रीनिवास मंचिकंटी दिल्ली कैंट स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल में TGT विज्ञान की शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने अपने विद्यालय में सहभागिता के साथ शिक्षण, जिज्ञासा आधारित शिक्षण, समस्या मूलक शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण
और क्षमता कौशल विकास पर आधारित शिक्षण को प्रमुखता दी है। इन्होंने शिक्षार्थियों के तनाव को कम करने के लिए पीयर मेंटरिंग और अनुवीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। सुश्री सुखविंदर कौर पंजाब के अमृतसर में स्थित भारतीय विद्या भवन SL पब्लिक स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेशन, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म व ब्लेंडेड लर्निंग को महत्व देते हुए क्लासरूम टीचिंग को रोचक बनाया है। ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी अपना निस्वार्थ योगदान देती हैं। श्री अरविंद कौशल नई दिल्ली के पीतमपुरा में स्थित APJ स्कूल में शारीरिक शिक्षा के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये शिक्षण विधियों में नए नए प्रयोग करते हैं। ये दिव्यांग बच्चों के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ जुड़कर समावेशन एवं समानता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।